फायर विभाग की एनओसी के बगैर चल रही है दर्जनों फैक्ट्रियां, जहां फैक्ट्री संचालक मनमर्जी से कर रहे हैं नियमों की अवहेलना। कुछ दिन पहले दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग लगने से हुए भीषण हादसे के बाद हरियाणा सरकार भी अलर्ट हुई है। प्रदेश में ऐसी भीषण घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अग्निशमन विभाग को फायर विभाग से एनओसी लेने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन दादरी जिला की बात की जाए तो मात्र एक फैक्ट्री ने फायर विभाग से एनओसी ली हुई है। किसी भी फैक्ट्री संचालक ने आज तक दमकल विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं समझी। यह खुलासा दमकल विभाग ने किया है। अगर जिले की किसी भी फैक्ट्री में आगजनी हो जाए तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। हमारे पास जो दादरी में जितनी फैक्ट्री है, हमारे पास फायर के नफ से अभी कोई भी इशू नहीं हुई है। हमारे पास से अभी डिस्ट्रिक्ट बढ़ने के बाद में, यदि पहले भिवाड़ी से ले रखे हो तो पता नहीं, लेकिन दादरी बढ़ने के बाद एक केमिकल की है जो दवाई बनाते हैं कड़ा रोड पर, उन्होंने एनओसी दी है और उनके पास फायर डॉक्यूमेंट भी लगा हुआ है। लेकिन बाकी जो और फैक्ट्री है, जहाँ रूई की है या कोई धागा मिल है या कोई सरसों का जो तेल निकालने वाला, इन्हें किसी ने हमारे पास अभी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला दादरी से किसी ने दिया नहीं। कोचिंग सेंटर तो सैकड़ों हैं, लेकिन कोई कोचिंग सेंटर ने दादरी में फायर एनओसी नहीं लिया। मतलब 100 में से कितने प्रतिशत कोचिंग सेंटर ने तो एक ने भी नहीं ले रखे। हमने पहले सर्वे कराया था और उनको बताया था, राय भी दी थी। हाँ, उसके बाद कुछ फायर के डॉक्यूमेंट जरूर लाए उन्होंने, हमने चेक किया है, लेकिन कोई किसी ने नहीं ले रखी। स्कूल है प्राइवेट, इन स्कूल में कोई 25-30% स्कूलों ने एनओसी ले रखी है, प्राइवेट स्कूल है। बाकी हॉस्पिटल है, यही हाल हॉस्पिटलों का है। हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लगभग मान के चलो 20% मुश्किल से एनओसी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एसटीवी के साथ।